हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर के अंदर आपके पीवाईक्यूज आए हैं जी, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके फॉर द सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। इसमें हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, तो जिनका हिंदी मीडियम है वो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और उसको सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लांट सेल सेल वॉल को कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ऑब्वियसली द चैप्टर सेल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स, और इसमें आपकी जो ऑर्गेनलीज है उसके अंदर पूछा गया है कि प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो ये दो ऑर्गेनलीज हैं जिनसे मिलकर बनता है आपका प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, जिसको आप कहते हो लिविंग फ्लूइड आल्सो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ह्यूमन बॉडी। यानी आपको दो आपके एलिमेंट्स दिए हैं, दैट इज कैल्शियम एज वेल एज योर फॉस्फेट। इनको जो है हार्मोन जो है वो रेगुलेट कौन करता है? तो यानी आपको क्वेश्चन के अंदर हार्मोन पे फोकस करना है, और वैसे ही आपका ऑप्शंस के अंदर जो हार्मोन होगा, जैसे थायरोक्सिन है, दिस इज फ्रॉम योर थायराइड। जो आपका ग्लूकागन है, दिस इज फ्रॉम योर ब्लड शुगर। ठीक है जी, ग्रोथ हार्मोन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रेगुलेशन पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज योर पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये जो आपका टॉपिक है, दिस इज फ्रॉम योर ऑब्वियसली हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, और यू कैन स्टडी इट इन द सर्कुलेशन ऑल्सो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी आपको कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो आप स्पेशल केसेस के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो आपको सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, यू हैव टू फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो डिमांड क्या है? केमिकल चेंज की। ठीक है, यानी इसमें से ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो स्टेट है वो कैसे हो रही है, केमिकल चेंज आ रहा है। तो कुकिंग है, डाइजेशन है, फ्रीजिंग, हीटिंग, या नन ऑफ द अबव। अब इसके अंदर देखो, जो डाइजेशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, यानी केमिकल की बात कर रहे हैं हम। चेंज है बट नॉट दी केमिकल वन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज कुकिंग। कुकिंग के अंदर क्या होता है, रॉ फूड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कुक्ड वन। तो यानी उसका जो केमिकल स्टेट है वो चेंज हो गई। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ कैरेट्स इज ऑरेंज। ठीक है, तो अभी ये आपका आता है प्लांट से है, ऑब्वियसली प्लांट फिजियोलॉजी एज वेल एज के अंदर आप स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी दोनों पढ़ते हो, एनाटॉमी भी यू कैन स्टडी। सो दिस इज फ्रॉम योर प्लांट डाइवर्सिटी। अगर आप टॉपिक की बात करें तो दिस इज फ्रॉम योर प्लांट डाइवर्सिटी, जिसके अंदर आप, और यू कैन स्टडी इट इन दी सेल ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर आप पढ़ते हो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो इसका सोर्स है वो बहुत ज्यादा सोर्सेज है इसके अंदर, और आप क्या करोगे, ऑर्गेनल्स को डीप स्टडी करोगे। दैट इज वाई जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, वो आप जनरेट करते हैं अपने पीवाईक्यू से, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो या पीवाईक्यूज हो, वो आपकी पेपर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज योर द कलर, कैरेट का कलर किसकी वजह से है, कि स्पेसिफिक सॉइल के अंदर ग्रो करता है, या इसके अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है कैरेटीन, उसकी वजह से इसका कलर ऐसा है, या इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट दैट इज व्हाई, या कलर जो है प्लांट का वो ऑरेंज है, और फिफ्थ वन इज योर नन ऑफ दीज। तो अगर हमने या आपने कभी कंसेप्ट पढ़ा हो कैरेट के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो कैरेट का है कलर होता है, दिस इज फ्रॉम योर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज कैरेटीन। ठीक है, तो इसीलिए जो गाजरी कलर होता है उसको हम वैसे ही बोलते हैं कि वो गाजरी कलर है, क्योंकि उसका कलर जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड या डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो वो मिक्स है रेड और ऑरेंज का, एंड दिस इज ड्यू टू दी ऑर्गेनली दैट इज प्लास्टिड के अंदर, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोप्लास्ट, है ना, या जिसको आप कहते हो क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इट गिव्स द प्लांट वेरियस कलर्स अदर देन दी ग्रीन कलर। तो इसमें पूछा गया है अदर देन ग्रीन, दैट इज कैरेट कलर, कैरेट का कलर। सो द आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इट कंटेन्स दी कैरेटीन। तो कैरेटीन क्या है, वो एक पिगमेंट है। ठीक है जी, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हस्बैंड्स ब्लड ग्रुप इज ए। अब ये आया है आपको ब्लड ग्रुप यानी सर्कुलेशन से, ऑब्वियसली सर्कुलेटरी से है ये भी, क्योंकि ब्लड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सर्कुलेशन के अंदर एक टॉपिक है दैट इज योर ब्लड।
ब्लड से अब आपको बताया गया है, क्वेश्चन पूछा है आपका कि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का, ए और बी, ठीक है। या तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए यू कैन रेफर टू द चार्ट दैट इज योर दिस वन। अब यहां पर आपको बताया गया है, ये चार्ट है जो आप अपने कंसेप्ट बेस के लिए गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर मदर का ब्लड ग्रुप अगर क्या है और फादर का, तो बच्चे का क्या होगा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर फादर का ए है मदर का बी है, तो फादर और मदर के बीच में बच्चे का क्या होगा, ए बी, ए बी और ओ। अब यहां आते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ये वाला ऑप्शन कहां है, ए बी, ए बी और ओ। सो द करेक्ट आंसर इज योर डी, इट्स नॉट सी, इट्स डी, ठीक है। सो ये बन गया आपका ऑप्शन दैट इज डी, ए बी, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पाइनल ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और ये थोड़ा डेप्थ में है, इसके अंदर क्या करना है आपको, कीवर्ड्स उठाने हैं। वैसे तो हर क्वेश्चन के अंदर यू कैन डू दैट। अब इसमें देखो स्पाइनल ऑर्गन है, यानी स्पेसिफाई कर दिया आपको, इजी कर दिया है कि वो जो ऑर्गन है वो स्पाइनल है, वो रिसीव करता है कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, इट इज प्योर ब्लड। तो अब अगर स्पाइनल वाला ऑर्गन है तो इसमें से कौन सा ऑर्गन होगा आपका, ऑब्वियसली आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे, एंड द आंसर इज योर स्प्लीन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसीज, ठीक है। तो फिर आपका यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि इफ दिस इज योर ग्रेवयार्ड, तो आपके इसमें जो आपकी फॉर्मेशन है आरबीसीज की वो कहाँ होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो है यानी रेड ब्लड सेल्स की, वो होती है आपके बोन मैरो के अंदर। तो ये दो कंसेप्ट जो है वो एक साथ आप पढ़ते हो, एक में फॉर्मेशन है और एक के अंदर ग्रेवयार्ड है। सो दिस इज अगेन फ्रॉम योर ब्लड चैप्टर। अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर एक चीज क्लियर है कि आपके जो क्वेश्चन है दे आर डायरेक्ट एज वेल एज कंसेप्चुअल बेस्ड। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत डेप्थ में हो, जहां पर आपको मैथमेटिक्स या फिर डेप्थ में कोई नॉलेज एक्वायर करनी हो। द ह्यूमन ईयर हैज एन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके अंदर क्या बताना है कि आपके जो कान है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है एक आवाज सुनने की वो कितनी है, ठीक है। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है दे कैन फॉलो द हिंदी वर्जन ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कितनी होनी चाहिए साउंड, दैट इज योर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ डायरेक्ट और फैक्चुअल है, यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो आपका जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों करने हैं, पर फैक्ट से ज्यादा आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। देखो जब भी कोई टॉपिक करते हैं आप, कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसका कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में ही आपको कंफ्यूज कर देगा आप कभी भी उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे इमल्शन, अगर आपको यही नहीं पता कि इमल्शन होता क्या है तो आप कभी भी इनके पीवाईक्यू, इसके अंदर जो आपके सॉरी ऑप्शंस है, आप उनको कभी भी डीकोड नहीं कर पाएंगे। तो पहले इमल्शन क्या है वो पता होना चाहिए। अब पूछा है इसमें से इमल्शन क्या नहीं है, यानी इन चार ऑप्शंस या पांच में से ये तो नन है तो आप इसको क्या कर सकते हो छोड़कर, अगर ये चार ऑप्शंस देखे तो क्या इन चार ऑप्शंस में से जो इमल्शन की डेफिनेशन है वो इनमें फिट बैठती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको इमल्शन की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है आपका, इमल्शन क्या होगा, लाइट और कैसा होता है, लाइट हो वेट होगा या फिर क्या होगा, हैवी वेट बेस्ड होता है आपका इमल्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर योगर्ट और कर्ड। अगर कर्ड हो ऑप्शन में तो कर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। कर्ड और योगर्ट में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। पर अगर यहाँ कर्ड होता तो कर्ड ऑप्शन होता, कर्ड की जगह योगर्ट है, दैट इज ऑल्सो डराइव फ्रॉम दी कर्ड। तो ये बन गया आपका योगर्ट आंसर। बटर, चॉकलेट मिल्क और क्रैक क्रीम जो होती है दे आर फ्रॉम दी इमल्शन प्रोसेस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज योगर्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इन टू अ पिचर, यानी कि मॉडिफिकेशन पूछे। जनरल है पिचर प्लांट के अंदर आपकी मॉडिफिकेशन किस चीज की होती है, उसके स्टेम की होती है, लीफ, स्टिप्यूल या पिटियोल। सो द करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज लीफ। ये आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी से, ठीक है। तो आप अगर यहां तक आपने क्वेश्चंस देखे हैं, आप यहां से ये देखोगे कि इसके अंदर जो प्लांट की डाइवर्सिटी है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके काफी डायरेक्ट है। वैसे तो प्लांट्स के अंदर भी है, बट प्लांट्स के अंदर क्या है आपकी एक मॉडिफिकेशंस में भी आ रहा है, यानी एक लेवल जो है वो एडवांस्ड है, पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, एक तो आपको एनिमल पे फोकस करना है और उसकी रेस्पिरेशन किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। तो फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, फ्रॉग या कैमेलियन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू होते हैं। करेक्ट आंसर इज योर फ्रॉग। अब आया जाकर आपका एनिमल किंगडम। तो अगर आपको फोकस करना है एनिमल किंगडम के ऊपर तो आप किन किन टॉपिक्स पे कर सकते हैं, उसका रेस्पिरेशन, उसकी डाइजेशन, किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर आप पूरे एनिमल किंगडम को जो पढ़ोगे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यानी जैसे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वैसे ही आपको एनिमल फिजियोलॉजी पे भी फोकस करना है। एंड दीज क्वेश्चन आर अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कुछ भी डेप्थ में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, की वर्ड इज बैक्टीरिया, हेल्प करता है किसमें, इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, है ना, बैक्टीरिया बताना है। अब सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं पर ऐसा बैक्टीरिया जो फर्टिलिटी में हेल्प करता हो, और फर्टिलिटी कहां से आप देख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एलिमेंटल नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म्स, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, इसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ योर बैक्टीरिया। अब ये जो इसके अंदर दो ऐसे आपके वो हैं ऑप्शंस हैं जो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो फिक्सेशन में किसी एलिमेंट में हेल्प करेंगे वही आपकी सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ बी, दैट इज राइजोबियम। वाइडली यूज्ड, फ्री लिविंग है, किसी के साथ एसोसिएशन में काम नहीं करता है। आपको ये भी चेक करना है इसके साथ साथ कि जो राइजोबियम है वो एनएरोबिक है बैक्टीरिया है या फिर वो एरोबिक बैक्टीरिया है। दोनों का मतलब क्या होता है, एनएरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड अदर फॉर्म बन सकती है, आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया, एरोबिक या एनएरोबिक, उसके बेस पर भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का चैम्बर बताना है जो पंप पंप करता है फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होगा, प्योर होगा, किसको, टू आयोटा एंड हेंस टू दी बॉडी, यानी आयोटा फिर आयोटा से बॉडी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्योर ब्लड पे पूछा गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके लिए यू कैन फॉलो द इडियोग्राम बोलते हैं हम उसको, जिसके अंदर आप ऐसे पिक्चर बना के राइट ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल वेंट्रिकल, दोनों तरफ जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो आप उनको भी वैसा इडियोग्राम यू कैन फॉलो फॉर दी मोर रेफरेंसेस। अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ, रिब केज पूछा है किसका, ह्यूमन का, हाउ मैनी रिब, कितनी रिब्स होती हैं उसके अंदर। अब अगर ऑप्शंस हैं देखो 14, 12, 16, 24। अब अगर पेयर पूछा है, नंबर पूछा वो नहीं पता, पर यहां से ऑप्शन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा है, नंबर पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज योर 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल सा क्वेश्चन, स्केलेटन सिस्टम से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस। अब वायरसेस कैसे होते हैं आपके, या दीज आर दी एंटिटी और एंटिटी, दे आर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों होते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन को काउंटर करो उससे पहले उसका डेफिनेशन और उसका जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो पता होना बहुत जरूरी है। इसमें पूछा गया नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जो वायरस कॉज नहीं करता, बाकी सब वायरस कॉज्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज योर कॉलरा, क्योंकि ये आपकी वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी कंटेमिनेटेड वाटर से आपको ये डिजीज होती है, दैट इज व्हाई कॉलरा इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये आपको ह्यूमन हेल्थ से आया है, तो ये आपको बेसिक से टॉपिक है जो बायो में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन वही टॉपिक से आपको ये क्वेश्चंस आए हैं। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर, अगर किसी खाने को न्यूज़पेपर में रैप कर दिया जाए तो उनमें कंटेमिनेशन या प्रदूषित होने के चांसेस कहां पर होते, कि कौन से बैक्टीरिया उसके अंदर आ सकते हैं, या किस आपका उसमें पूछा गया। अब यहां पर देखो, यहां पर एलिमेंट पूछा गया, बैक्टीरिया नहीं है एलिमेंट है, तो किससे कंटेमिनेट होंगे, लेड, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम।
द करेक्ट आंसर इज योर ए, दैट इज लेड, पीबी. ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नो फ्लावर. इसमें से एक ऑप्शन है जिसके बीज तो हैं पर कोई फ्लावर नहीं है. अब ये फिर से आपका क्वेश्चन प्लांट. तो अभी तक ना जितने टोटल क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू फोकस ऑन प्लांट्स. इतना तो समझ आ गया है एक सेशन से कि आपको किस पे फोकस करना है, प्लांट्स पे. और इन डिटेल में कैसे करना है, कंसेप्चुअल बेस्ड, डेप्थ पे नहीं जाना है, डिटेल किस तरह की, कंसेप्ट्स की डिटेल रखनी है. सो द करेक्ट आंसर इज योर ग्राउंड नट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इनहेरिटेबल. ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज जिसको आप इनहेरिट कर सकते हो. ठीक है, या आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया. ये क्वेश्चन आई थिंक दिस इज वो हो गया, ये इग्नोर द हिंदी वर्जन, यू कैन फोकस ऑन द इंग्लिश वर्जन. इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो इनहेरिट की जाती है, यानी कि आपको पेरेंट्स से मिल सकती है ना, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. सो द करेक्ट आंसर इज योर बी, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज है जिसको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाती है. अगर मदर फादर को है तो बच्चे को भी होगी. द इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है आपने क्या किया है, मदर फादर से वो जो डिजीज है, बीमारी है, वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुई है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस. इसमें से ऐसी कौन सी विटामिन है जो सिंथेसाइज बनती है, कहां पर, बॉडी ऑफ द इंटेस्टिनल, बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया. आपकी बॉडी जो आपकी आंत है उसमें जो बैक्टीरिया है वो इस विटामिन को प्रोड्यूस या बनाता है, सिंथेसाइज करता है. तो आपको इसमें से चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है. एंड द करेक्ट आंसर इज योर डी, दैट इज विटामिन के. और ये आपकी जो विटामिन के है ये आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी हेल्प करती है. ठीक है, कभी इंजरी हो जाए तो वहां पर भी आपकी कौन सी विटामिन रिलीज होती है, विटामिन के. तो एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी एब्जॉर्ब फास्टेस्ट, यानी एब्जॉर्ब सबसे जल्दी एब्जॉर्ब कौन से होंगे फ्रॉम द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर इनमें से आपको बताना है कि आपका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर सबसे पहले जो बहुत जल्दी फास्ट कौन सी जो है ऑप्शन ऑब्जर्व होगी, ब्लैक कॉफी, डीडीटी, रॉ एल्कोहल और आइसक्रीम एज अ डेजर्ट, मीठा यानी. तो द आंसर इज योर रॉ एल्कोहल टेकन एज ड्रिंक. इसको आप, ये आपकी डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट इज कटिंग एंड पीलिंग ऑफ अनियन, है ना, जो प्याज है उसको अगर आप छीलते हो या काटते हो तो आंखों में आंसू आते हैं. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है, तो उसके अंदर क्या है आपका, सल्फर इन दी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर इन दी सेल. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ग्रेजुएशन लेवल. ठीक है, थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और कई बार आपको ट्वेल्थ में भी ये दिखा मिल जाता है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो ये आपका प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर है, एनाटॉमी, यानी कि जब आप प्लांट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो आपको वहां पर ये चीजें दिखती है, या आप जब केमिकली उन प्लांट्स को ट्रीट करते हैं तब आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिलता है. सो ये आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है और अगर आप देखेंगे तो आपको थ्योरी के अंदर भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है जी, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन अ मसल, यानी जो आपकी मांसपेशियां हैं उनके अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्स करने में हेल्प करती है आपकी मांसपेशियों को. द आंसर इज योर एक्टिन एंड मायोसिन. यही होते हैं ना, दो लाइट और डार्क बैंड भी बनाते हैं, एक्टिन और मायोसिन. ये आपकी दो ऐसी मांसपेशियों के अंदर क्या है, प्रोटीन्स है. Which one of the following is not an enzyme? अब एंजाइम क्या होता है, ये क्या करता है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस 10 मिनट के अंदर होना है तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो उसको 6 से 7 मिनट के अंदर करने की कैपेसिटी रखते हैं. एंजाइम को आप ऐसे देख सकते हो कि एंजाइम जो है वो एक बायो कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है. तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम नहीं है, अमाइलेज एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन के लिए, ये स्टार्च के लिए, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन्स के लिए, बट सोमैटोट्रोपिन जो है वो एक एंजाइम नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज सोमैटोट्रोपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो आपकी छोटी आंत है वो उसके तीन पार्ट होते हैं, यानी ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका पार्ट नहीं है.
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं तो दे आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब इन तीनों के अलावा अगर कोई है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज थिकम, एंड दिस थिकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द टूडेज सेशन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है दैट कुड बी आस्क्ड इन टू योर बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम। और भी आपको क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस को देखने के बाद यू हैव टू गो थ्रू टू योर सिलेबस। एक बार अपना सिलेबस उठाइए, कंसेप्ट को दोबारा पढ़िए। अगर आपको क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप डूइंग योर प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।